नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनसे सीधे आज बात करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से आगे जो है उनका जो रहेगा चुनाव में पूरा समीकरण, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी टीवी न्यूज। क्या तैयारी है? अभी तो फिलहाल ये हमारा व्यक्तिगत कार्यक्रम है और तैयार तो हम लोग हमेशा रहते हैं। हमारा परिवार, हमारी तीसरी पीढ़ी है जो आज तक फर्रुखाबाद की सब जनता की सेवा करती आई है, तो हम लोगों का तो 24 घंटे ही सेवा है फर्रुखाबाद की, तो कोई तैयारी नहीं और हर टाइम फुल तैयारी। तो व्यक्तिगत मतभेद की बातें जो फर्रुखाबाद के लोगों के बीच में आ रही हैं, उनको क्या कहेंगे आप? ये तो सब समय बताएगा। फर्रुखाबाद में कुछ हम ऐसे विरोधी लोग हैं जो बहुत सच्ची बातें भी करते हैं और झूठी बातें भी कहते हैं, अफवाहें ज़्यादा फैलाते हैं, तो ऐसा अभी कुछ नहीं है। अभी हम लोग जो है अपने सिर्फ मिशन पे लगे हुए हैं और हमारा एक ही मिशन है कि हम अपने फर्रुखाबाद को बेहतर बनाएं, अच्छा बनाएं, और उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। टिकट को लेके क्या आशंकाएं हैं, कुछ क्लियर करें? अभी तो पहले हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट से इलेक्शन का प्रक्रिया ही क्लियर अभी मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। अभी हाईकोर्ट से 20 तारीख में लगी हुई है, तो देखते हैं हाईकोर्ट क्या कहता है फिर आगे। जिस तरह से आपका चुनावी अभियान चल रहा है, तो फर्रुखाबाद के लिए जो बड़े मुद्दे हैं उन पर किस तरह से काम करेंगे आप? देखिए, फर्रुखाबाद हमारे लिए हमेशा एक गर्व की बात रही और हमारे परिवार ने, हमने, सब लोगों ने हमेशा यही प्रयास किया कि फर्रुखाबाद को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे अच्छा किया जाए। तो इसके लिए अब हमने एक अपना जो है नया अपनी मुहिम स्टार्ट करी है। हम अब युवाओं से, बुज़ुर्गों से और एडवोकेट से, डॉक्टर, समाज के हर तबके से हम लोग राय मशवरा कर रहे हैं और एक नया जो कहते हैं एक नया खाका खींचने की हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें सबके सुझाव ले रहे हैं, तो जल्दी वो चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी तो आगे आप लोग को बताया जाएगा। सवाल लो कि आप जवाब ठीक दे रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो फर्रुखाबाद में है, संदेश से फर्रुखाबाद की पब्लिक चाहती है कि संदेश क्या है, तो वो संदेश की बातें किस तरह से आप बताएंगे, क्या संदेश? देखिए, संदेश तो सबसे बड़ी बात है, फर्रुखाबाद हमारा कुछ समय से विकास में काफ़ी क्या पिछड़ गया है और काफ़ी झूठे आज तक दावे होते रहे कि ये काम हो गया, वो काम हो गया, लेकिन वो चीज़ें जो हमने देखा धरातल पे नहीं होती हैं। तो सबसे बड़ा संदेश तो फर्रुखाबाद के लिए ये है कि यहाँ का विकास, यहाँ की रोडें, यहाँ की लाइट और तमाम जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए और उसके बाद कुछ एक ऐसा यहाँ पे उद्योग लगाया जाए या कुछ ऐसा बिजनेस पार्क लगाया जाए जिससे कि यहाँ पे युवाओं को और हमारे साथ के साथ किसान भाइयों को भी एक अवसर मिले, तो ये एक सबसे बड़ा संदेश है। आखिरी सवाल है, व्यक्तिगत तौर पे जिस तरह से हमले होते रहे, जो भी वर्तमान में चेयरमैन हैं उनके ऊपर लगातार हमले होते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या विकास नहीं कराया उन्होंने? मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात कहता हूँ। मैंने आपको अपनी बात बताई और आगे फिर अपनी बात बताता हूँ कि मुझको फर्रुखाबाद की सेवा करनी है, हर कीमत पर करनी है और उसके लिए पद और ये चीज़ें मेरे सामने बहुत छोटी हैं। जब आप जनता के बीच में रहते हैं तो जनता आपको पद नहीं, आपको राजा बनाती है, तो हम वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत बात की बात है। सबसे पहले हम अपनी बात कहते हैं और हमको अपने फर्रुखाबाद की सेवा करनी है, ये फैसला जनता करेगी वो किसको क्या बनाएगी। चुनाव लड़ेंगे या नहीं? आने वाले समय पे बताएंगे, अभी तो चुनाव के लिए ही नहीं है और फिर जैसा जो आदेश होगा नेतृत्व का सबका उसी हिसाब से निर्णय। पार्टी टिकट से या निर्दलीय? नहीं, अभी तो समय आएगा तो पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो हम तो पार्टी से ही लड़ेंगे सबसे पहले। हमारी पार्टी ने आवेदन कर दिया, भाई पार्टी जो ऐसा वो क्या सर्व प्रिय है? नहीं, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है फिर क्या स्थिति? नहीं, वो तो आप, हमने कहा ना अभी आपसे, अभी तो पहले इलेक्शन ही डिक्लेयर हो, अभी हम इस कार्यक्रम में व्यस्त थे तो अभी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास मुझे मिलने जाना था, मेरा जो टाइम मिल गया था मुझे कल शाम का, लेकिन मैंने उनको मजबूरी बताई कि मेरा आज का प्रोग्राम है, तो वो क्या सैफ ही आए हुए थे, मैंने कहा मैं कार्यक्रम करके फिर आपके पास मिलने आया। तो अभी तो इलेक्शन क्लियर हो, उसके बाद पार्टी की क्या नीति है, क्या स्टैंड है, वो क्लियर हो, फिर हम लोग जैसा होगा आगे सोचा तो बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में करण सिंह जी, जिन्होंने यूपी टीवी न्यूज के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। धन्यवाद।